हेलो फ्रेंड्स, हमारी आज की रेसिपी है चिकन चीज रोल्स। ये बहुत ही इजी रेसिपी है, बच्चों को बहुत ही पसंद आती है। यूजुअली आपने इसे शादियों में खाया होगा, तो चलिए हम इसे बहुत आसान तरीके से बनाना सीखते हैं। तो इंग्रेडिएंट्स देखते हैं। मैंने लिया है 250 ग्राम्स ऑफ चिकन कीमा, तो आप अच्छे से वॉश करके ड्राई कर लेंगे। ब्रेड क्रम्स, दो छोटे प्याज को फ्राई कर लिया है, हल्का ब्राउन, गोल्डन ब्राउन ना होने दे, एकदम हल्का ब्राउन फ्राई करके ही आप इसे निकाल ले। पुदीना एंड हरा धनिया चॉप करके, एक अंडा, ओरिगैनो 1 टीस्पून, चिली फ्लेक्स 1/2 टीस्पून, चिली, ग्रीन चिली का पेस्ट 1 टीस्पून, 1.5 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, 1 टीस्पून भरकर जीरा पाउडर, 1/2 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, नमक हसबे जायका, और मैंने लिया है अमूल चीज। यूजुअली इस रेसिपी में अमूल चीज नहीं बल्कि मोजरेला चीज यूज होती है, बट लॉकडाउन की वजह से मेरे पास मोजरेला चीज अवेलेबल नहीं है, सो मैं अमूल चीज क्यूब्स यूज कर रही हूँ। आपके पास अगर मोजरेला चीज अवेलेबल है तो आप वही यूज करें, वो ज्यादा अच्छा टेस्ट देती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम चिकन में ये सारे मसाले ऐड कर देंगे, हरा धनिया, पुदीना भी ऐड कर देंगे। फ्राई ऑनियंस का हम अच्छा पेस्ट बना लेंगे और फिर ये फ्राई ऑनियंस भी हम चिकन के मिक्सचर में ऐड कर देंगे। सो फ्राई ऑनियंस का हमने पेस्ट बना लिया, अब हम ये भी हमारे मिक्सचर में ऐड कर देंगे। इसे अच्छे से मिक्स करें और आप इसे 1 घंटे के लिए फ्रिज में रख दें। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप ये मैरिनेशन को 10 से 15 मिनट रखकर भी अपने रोल्स बनाना स्टार्ट कर सकते हैं। हमारा चिकन का मिक्सचर रेडी हो चुका है, अब हम इसे ढककर फ्रिज में रख देंगे फॉर अराउंड 1 आवर। हम एक अंडा लेंगे, अंडे में मैंने ऐड किया है नमक, काली मिर्च का पाउडर और 1 टेबलस्पून तेल। हम इसको अच्छे से फेंट लेंगे। चीज को हमने इस तरीके से स्लाइसेस में कट कर लिया है। चीज बनाने के लिए पहले हम हाथों को तेल से ग्रीस कर लेंगे, फिर मैरिनेशन का स्मॉल पोर्शन लेके हम इसे ऐसा फ्लैट करेंगे हमारे हैंड्स पर। चीज का स्लाइस लेंगे, बीच में रखेंगे और इसे फोल्ड कर देंगे। इस तरह। सो इसी तरीके से हम सारी चिकन के रोल्स बना लेंगे। हम चिकन रोल को अंडे में अच्छे से डिप करेंगे, कोट करें इसे प्रॉपरली, और फिर ब्रेड क्रम्स में लेके इसे सूखे हाथ से रोल करेंगे। आप कोटिंग अच्छे से दे ताकि आपका चीज बाहर ना आए फ्राइंग के टाइम पर। रोल्स फ्राई करने के लिए हम एक कढ़ाई में तेल लेंगे। तेल गर्म होने पर हम 1 बाय 1 रोल्स ऐड करेंगे। तो तेल हमारा गरम हो चुका है, अब हम इसमें 1 बाय 1 रोल्स ऐड करेंगे। आप इसे स्लो फ्लेम पर कुक करें ताकि आपका चिकन अच्छे से कुक हो। आप इसे टर्न करते रहे और इसे गोल्डन ब्राउन होने तक अच्छे से फ्राई करें स्लो फ्लेम पर। तो हमारे रोल्स गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं, अब हम इसे डिश आउट कर लेंगे। ये देखिए, तो हमारे चिकन चीज़ रोल्स बनके रेडी है। ये बहुत अच्छे से फ्राई हुए हैं और ये बहुत टेस्टी बनते हैं, तो आप इसे ज़रूर ट्राई करें। मेल्टेड चीज़ का फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है, ये बहुत ही क्रिस्पी फ्राई होते हैं। सो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।